हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो यार। सो जी एन रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी जिया होती है उसे रूही के बिना नींद नहीं आ रही होती, और रूही को भी जिया के बिना नींद नहीं आ रही होती। तो ये लोग जी छत पे चले जाते हैं, लेकिन जो जिया होती है वो रूही को देख लेती है, लेकिन रूही जो होती है उसका तो ध्यान ही नहीं होता। तो उसके बाद रूही डिसाइड करती है कि कल वो चाहे जो हो जाए जिया को बोल देगी ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है जी सोने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे में जो रूही होती है वो एक मतलब गॉर्जियस सी ड्रेस पहन के आती है ना, मतलब गाउन टाइप कुछ उसने डाल रखा होता है। और रूही जो होती है वो मतलब जॉगिंग करके आई होती है, तो देखते हैं कि वाह आज तो इसने ना जुलूम ढा रखा है यार, क्या कत्ल लग रही है। तो जिया जो होती है ना वो रूही के पास जाती है और उसे बोलती है गुड मॉर्निंग। तो रूही जो होती है कहती है गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं मैडम। तो जिया कहती है कि मैडम वो छोड़िए, आप तो ये बताइए आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं इतनी अच्छी ड्रेस पहन के। तो रूही कहती है कहीं नहीं, एक्चुअली शादी वाला घर है तो मैं सुबह जल्दी तैयार हो गई कि हो सकता है कोई काम आ जाए तो टाइम ना मिले। तो जी हंसती और कहती है हाँ वैसे तुम्हें तैयार होना चाहिए ना, क्योंकि बिना मेकअप के तुम्हें अगर कोई देख ले तो मर ही जाएगा। तो रूही कहती है ओहो एक्चुअली क्या है ना, मुझे देख करके तो मर जाएगा, तुम्हें अगर कोई बिना मेकअप के देख लेना तो वो तो अगले 7 जन्म तक भी जन्म नहीं लेना चाहेगा। तो जी है ना थोड़ा ऐसे गुस्से में देखते हैं उसे। तो रूही कहती है सच कहा, सच तो कड़वा होता है, कड़वा लगेगा ना आपको। तो जिया कहती है अभी बताती हूँ। तो रूही है ना फटाक से भाग जाती है। तो जिया कहती है जुइया कहीं की, जब देखो तब फट करके भाग जाती है, पर तुम्हें तो मैं बताऊँगी। और कल रात को तो कह रही थी कि आज तो मुझे बोल देगी, लेकिन इसके तेवर देख के तो लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं बोलने वाली। यार भगवान प्लीज़ इसको थोड़ी सदबुद्धि दो, ये मुझे जल्दी कह दे क्योंकि मेरा इसके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं दोबारा से, ऐसे मत करना हो प्लीज़ भगवान, प्लीज़ 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 इसको सद्बुद्धि दो और जल्दी से जल्दी से जल्दी से हमारा पैचअप करवाओ ना। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो अपने रूम में चली जाती है जी नहाने के लिए। और जैसे ही वो आती है ना मतलब नहा धो के, तो सब लोग वहीं होते हैं। तो इतने में जी आराध्या आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो भी उनकी फ्रेंड होती है ना। तो आराध्या भी एक मतलब पिंक सी कलर की ना ड्रेस डाल के आती है। तो जिया सोचती है कि अच्छा इसे ना आराध्या से चिढ़ तो है, तो मैं इसे और चिढ़ाती हूँ। तो जिया जो होती है ना वो आराध्या के पास जाती है और उससे कहती है वाह यार यू आर सो ब्यूटिफुल। तो आराध्या कहती है सच में। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, मजाक करूँगी तुम्हारे साथ यार, आज तो तुम मतलब ना कहते ना कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो आराध्या कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ा जलमन रही होती है कि बड़ी तारीफ कर रही है उसकी। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो आराध्या के हाथ पे ना अपना हाथ फेरती है, मतलब उसके शोल्डर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, और कहती है यार स्मूथ क्या करवाया तुमने, एकदम तो मलाई जैसे हाथ लग रहे तुम्हारे तो। तो आराध्या कहती है नहीं यार वो बस थोड़ा सा पार्लर में जा कर के मतलब शादी के लिए ठीक ठाक। तो रूही जो होती है ना वो तो मतलब मलाई मलाई खिलाऊंगी इसे तो मैं, मलाई क्या पूरा दूध पिलाऊंगी इसे, मलाई लग रही है उसकी कलाई मलाई मेरी कलाई जियो। लेकिन फिर उसके बाद जिया जो होती है ना देखती है कि रूही को और गुस्सा आ रहा है, तो वो कहती है ठीक है हम और दिलाते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो आराध्या का ना हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ ना, तुम भी ना कल आना चाहिए था तुम्हें, और तुम आ जा रही हो, तुम्हें पता है कितना काम होता है यहाँ पे। तो आराध्या कहती है यार क्या करूँ, तुमने और रूही ने सेम टाइम पे छुट्टी ले ली ना इस वजह से। तो जिया कहती है कि यार सो सैड ना यार। तो ऐसे बोल के ना उसके गाल पे टच करती है। तो रूही की तो ना बैंड बजी होती है, फुल ऑन बैंड बजी होती है कि ये क्या कर रही है। लेकिन उसके बाद जिया जो होती है ना वो आराध्या की जी कमर वाली साइड अपना हाथ रखती है और कहती है आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। फिर कमर से आहिस्ता हाथ ऊपर शोल्डर तक ले जाती है
और रूही ये देखती है ना कि अब तो ज़्यादा हो गया, कैसे उसे टच कर रही है ये, और वो कैसे टच करने दे रही है इसे, तो मैं ना, पर मैं क्या कर सकती हूँ, एक अजनबी हूँ मैं उसके लिए आज, अजनबी, मैं अजनबी के नाते तो उससे क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, प्लीज़ भगवान जी, आप तो जानते हो, आप तो रोको उसे। तो उसके बाद जिया जो होती है ना, वो सबसे मिलवा रही होती है, तो आराध्या जो होती है वो कहती है, यार मुझे बड़ी प्यास लग रही है ना, तो जिया कहती है, आप तुम्हें प्यास लग रही है, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। तो जिया जो होती है ना, वो ऑर्डर देती है कि यहाँ भी एक गिलास जूस है ना, तो जिया अपने हाथ से जिया आराध्या को ना जूस पिलाती है, तो आराध्या तो मानो खुशी के मारे है ना, साथ में आसमान पे होती है, और आराध्या कहती है, यार आज तुम मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है, यार तुम्हें पता है आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, मैं क्या कोई भी हो, तुम्हारी खातिरदारी करने में तो कमी नहीं छोड़ेगा ना। तो आराध्या कहती है, यार किसी का तो पता नहीं, जब तुम इतनी केयर करती हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो रूही ये सुनते ना, अच्छा बेटा रुक जाओ, तुम इसके जितना क्लोज जाना है ना जाओ, तो मैं देख लूँगी, एक बार ये गेम ख़त्म हो जाए फिर तो तुम्हारे गेम मैं बजाऊँगी। जी हाँ, बहुत बिगड़ रहे हो तुम, मैं तुम्हें सुधारती हूँ, रुक जाओ तुम। तो रूही जो होती है ना, वो जिया को आवाज़ देती है कि जिया एक सेकंड सुनना यहाँ पे। तो जिया कहती है, यार क्या है इसे, मैं तो नहीं जा रही। तो आराध्या कहती है, रूही बुला रही है। तो जिया कहती है, तो रूही बुला रही है, कोई मिनिस्टर है वो, हाँ उसे काम है ना, अपने आप आ जाएगी, मैं नहीं जाती किसी के पास भी। तो इतने में रूही जो होती है ना, वो जिया के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें आवाज़ दे रही थी ना। तो जिया कहती है, तुम कौन। तो रूही कहती है, कंट्रोल रूही, कंट्रोल कंट्रोल, अभी गुस्सा नहीं करना। तो रूही कहती है कि मैं ये कह रही थी कि आंटी जी तुम्हें बुला रही है ना, उन्हें तुमसे कुछ काम है। तो जिया कहती है कि आंटी को बोलो मैं भी आ रही हूँ, ठीक है जाओ तुम अब यहाँ से। तो रूही जब ये सुनती है ना, ऐसे बिहेव कर रही है, तो वो ना पीछे मुड़ कर कहती है, इसे तो मैं मारूंगी, बहुत बुरे तरीके से मारूंगी, क्या समझती है अपने आप को, माना कि जलन फील करानी है, लेकिन इतनी इतनी बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया जो वो रूही जो होती है ना, वो वहाँ से बहुत सैड मूड में जिया ना अपने कमरे में चली जाती है। तो रूही जिया वो जिया देख लेती है ना ये चीज़ की, रूही जो है वो बड़े सैड मूड से अपने रूम में गई है। तो जिया को फांसी भी आ रही होती है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है ना कि शायद मैंने ज़्यादा कर दिया। तो आराध्या जो होती है वो जिया से कहती है कि अरे हम कहीं बाहर चले क्या। तो जिया कहती है, नहीं यार मैं बाद में मिलूंगी ना। तो आराध्या कहती है, अरे रुको, और जिया का ना हाथ पकड़ लेती है। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना जिया को, कि जिसे टेंशन से मतलब महसूस हो जाता है ना कि किसने हमें किस तरीके से पकड़ा है। तो जिया कहती है कि कुछ काम है। तो आराध्या, नहीं वो बस वैसे ही, रुपया अपना हाथ छुड़ाती हुई है और कहती है कि मैं तुमसे ना बाद में मिलूंगी, ठीक है, और सब है यहाँ पे, तुम सबके साथ बैठो एंजॉय करो, ठीक है। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना, वो रूही के रूम की साइड चली जाती है और चुपके वहाँ पे देख रही होती है ना कि रूही क्या कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना, वो बैठ करके बड़ी सैड होती है, उसकी आंखों में से ना थोड़ा से आंसू आ रहे होते हैं। तो जिया से ना देखा नहीं जाता, तो वो उसके कमरे में जाती है। तो रूही कहती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो जिया कहती है कि ओ हेलो हेलो हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है इस कमरे में आने का बार बार, ठीक है। तो रूही कहती है, हाँ जब शौक नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हो। तो जिया कहती है कि वो तो तुम रो रही थी ना, तुम्हें तो पूछने आई थी क्यों रो रही हो। तो रूही कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। तो जिया कहती है कि यार मुझे क्या पता होगा, मैं बड़ा तुम्हें जानती हूँ, तुम तो अजनबी हो ना, तो मुझे क्या पता तुम क्यों रो रही हो। तो रूही कहती है कि ठीक है नहीं पता तो मत बताओ ना, तुम तो जाओ ना आराध्या के पास, उसकी मलाई जैसी कलाई को टच करो ना। तो जिया हंसती है और कहती है, मलाई जैसी कलाई तुमने सुन लिया था। तो रूही कहती है, हाँ सुना ना, और कितनी खूबसूरत लग रही है आज, तो सब उसकी खातिरदारी करेंगे, उसकी खातिरदारी, उसको तो दो थप्पड़ मार के भगाऊंगी मैं यहाँ से, खातिरदारी। तो जिया कहती है, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा। तो रूही कहती है, गुस्सा नहीं है ये। तो जिया कहती है कि गुस्सा ही है, और वैसे रूही तुम्हें स्मेल आ रही है कोई, देखो मुझे तो बड़ी स्मेल आ रही है ना जलने की, पता नहीं यार कहाँ से आ रही है। तो रूही कहती है,
दरवाजा उधर की साइड है, जाओ यहाँ से। तो जिया कहती है, अरे यार इतना गुस्सा, और तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं बड़ी बदतमीज हूँ, बदतमीज किस्म की हूँ, और करेक्टर करेक्टर भी कुछ तुम कह रही थी, तो तुमने देख लिया मेरा करेक्टर अब? तो रूही कहती, हाँ देख लिया ना, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही हो तुम। तो जिया कहती, जब मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ तो तुम्हें क्या दुख हो रहा है? तो रूही कहती है, सही कह रही हो तुम, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे चुप हो जाना चाहिए। तो ऐसे बोल करके ना अपने आंसू जो होते हैं ना वो उन्हें मतलब साफ कर लेती है, और कहती है, जब तुम ऐसी हो ना तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए ना, मैं भी ढूंढती हूँ किसी को इसी शादी में। तो जिया जो होती है ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ज़्यादा बोल रही हो तुम अब। तो रूही कहती है कि क्यों, तुम कर सकती हो, मैं बोल भी नहीं सकती। तो जिया कहती है, हाँ सिर्फ बोल सकती हो, करोगे नहीं तुम? तो रूही कहती है, मैं करूँगी, ठीक है, कल तक तो मैं सोच रही थी कि हमारे इस गेम को ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन आज अब से है ना, तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, ठीक है, आज से ये गेम नहीं ये हकीकत बन जाएगा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। ऐसे बोल के ना अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो जिया जो होती है ना वो हंसने लग जाती, कहती है, हे भगवान, इससे इतना सा तो सहा नहीं गया और मुझसे दूर जाएगी। ओह माय गॉड, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है ना कि भगवान जीतूंगी तो मैं ही, है ना। तो उसके बाद जिया भी होती है ना वो भी नीचे चली जाती है, तो देखती है कि रूही जो है ना वो बाकी सबके साथ बैठी हुई है, आकाश के साथ, फियांसे के साथ। तो जिया सोचती है कि थोड़ा और मज़ा कराया जाए, तो वो आराध्या से कहती है कि आराध्या मुझे मार्केट जाना है, तुम चलोगी क्या? तो आराध्या कहती है कि हाँ ऑफकोर्स चलूँगी ना। तो इतने में जी आकाश की मम्मी कहती है कि रूही एक काम करो ना बेटा, तुम भी जाओ, तुम्हें पता है ना हमारे वहाँ से साड़ी और गहने वगैरह लेकर के आने हैं, तो प्लीज़ तुम जाओ रूही जिया के साथ और वो सब कुछ ले आओ ना। तो रूही कहती है कि आंटी मैं किसी और के साथ चल जाऊँगी ना, और जिया को तो मार्केट में काम होगा, टाइम लगेगा, तो मैं उसके साथ जा क्या करूँगी ना, मैं वैसे चल जाती हूँ किसी और के साथ। तो आंटी कहती है कि नहीं बेटा, जिया साथ रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, और बाकी मुझे किसी पे इतना खास यकीन नहीं है ना, तो तुम प्लीज़ जिया के साथ चले जाओ। तो जिया कहती है कि चलो आंटी ठीक है। तो उसे कहती है कि चलो मार्केट चलते हैं। तो रूही, आराध्या और जिया जो होते हैं ना वो मार्केट जा रहे होते हैं। तो आराध्या जो होती है ना वो जिया के साथ जी बैठ जाती है ना फ्रंट सीट पे उसके साथ ही। तो रूही को तो ना गुस्सा आ जाता है कि ये आज फिर बैठ गई और जिया ने इसे कुछ कहा भी नहीं, ओ गॉड मुझे कब तक ये सहना होगा। तो ये लोग जा रहे होते हैं ना, तो आराध्या जो होती है वो कहती है कि तुम शादी में क्या पहनने वाली हो? तो जिया कहती है कि यार मैंने अभी डिसाइड नहीं किया ना मुझे क्या डालना है। तो आराध्या कहती है, फिर एक काम करना ना, तुम रेड डाल लेना, रेड तुम पे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारी लगती हो तुम रेड में। तो रूही कह जिया कहती है कि हाँ ऐसी बात है, तो फिर मैं रेड ही डालूँगी, तुम क्या डालने वाली हो? तो आराध्या कहती है कि मैं तो यार कुछ भी डाल दूँगी, जो भी पसंद आएगा वो डालूँगी। तो जिया कहती है कि वैसे तुम पे ना पिंक बहुत खूबसूरत लगता है, तो अगर पिंक डालोगे ना बहुत बहुत प्रिटी लगोगी तुम, और तुम्हें पता है पिंक मुझे बहुत पसंद है। तो आराध्या कहती है, अरे सच में पिंक तुम्हें बहुत पसंद है? तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स यार पिंक मुझे बहुत पसंद है, और खासकर तुम जैसी क्यूट गर्ल्स के ऊपर तो पिंक इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि पिंक को चांद ने पहन लिया हो। तो आराध्या जो होती है ना वो थोड़ा ब्लशिंग कर रही होती है, और जो रूही होती है वो पीछे बैठ करके सूरज बन रही होती है ना, मतलब जल बन रही होती है। तो जिया ना बार बार से मैं नोटिस करती है कि रूही के क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, अब क्या आ रहे हैं, अब क्या आ रहे हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो आराध्या को जी छोड़ देती है एक मॉल में, और उसके बाद रूही से पूछती है कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ छोड़ूँ? तो रूही कहती है कि गाड़ी रुको पहले। तो जिया गाड़ी रोकती है और रूही जो होती है ना वो आगे वाली सीट पर आके बैठ जाती है और कहती है, क्या बोल रही थी तुम, पिंक पिंक तुम्हारे गाल पे मार मार के ना लाल कर दूंगी। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तो तुम मेरी अजनबी हो, मैं किसी को क्या भी बोलूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों चिढ़ रही हो इतना?
रूही कहती है हाँ सही कह रही है तू, लेकिन बस बहुत हो रहा है, धीरे धीरे ठीक है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो जिया जो होती है ना गाड़ी रोकती है और बोलती है डिस्टेंस, तुम एक चीज़ बताओ तुम हमारे बीच में भी डिस्टेंस रखती हो, तुम उस सबके बीच में भी डिस्टेंस रखती हो, डिस्टेंस 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 क्या है तुम्हारा, इतना डिस्टेंस रखती हो तो प्यार क्यों करती हो। तो रूही कहती है किससे करती हूँ, तो जिया कहती है मुझ, लेकिन फिर जिया बोलती नहीं है और गाड़ी स्टार्ट करके ना चलती है। तो रूही भी ना चुप हो जाती है कि अब रहने देते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को छोड़ देती है, और रूही जो होती है ना वो मतलब आधे घंटे बाद जब बाहर आती है तो वो देखती है कि जिया की गाड़ी नहीं है। तो वो जिया के पास कॉल करती है कि जिया कहाँ हो, तो जिया कहती है कि मैं तो घर आ गई। तो रूही कहती है कि घर तुम्हें मैंने बोला था ना यहाँ रुकने के लिए, तो तुम रुकी क्यों नहीं। तो जिया कहती है कि यार तुम झांसी की रानी हो और वैसे भी तुम तो चुहिया हो ना, तुम किसी भी दिल में से निकल के आ जाओ, मेरा रुकना क्या ज़रूरी है। तो रूही कहती है हाँ तुम आराध्या को तो अपने साथ लेके गई होगी, उसे थोड़ी ना छोड़ के गई होगी। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, वो क्या है ना तुम हमारे बीच में ना कबाब में हड्डी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि हड्डी को वहीं छोड़ करके सीधा कबाब कबाब ले आओ ना। तो ना गुस्से से कहती है अब मैं आऊँगी कैसे। तो जिया कहती है मुझे क्या पता, जैसे आना है आ जाओ, मैं तुम्हारी कौन सी ड्राइवर हूँ या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर कुछ और हूँ, हम तो एक दूसरे के लिए अजनबी है ना, और वैसे भी ऑटो रिक्शा बहुत चल रहा है, बस बहुत चल रही है, तो किसी को भी बुला लो या किसी में बैठ के आ जाओ, क्योंकि मैं तो अब घर आ गई ना और मुझे मार्केट में आने का कोई शौक नहीं है, तो तुम अपने आप आ जाओ, तुम्हें कैसे दे आना है। तो रूही कहती है यार मेरे पास गहने हैं। तो जिया कहती है गहने हैं तो क्या करूं। तो रूही कहती है ओ गॉड तुमसे ना जितना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मानने वाली तो तुम हो नहीं, आओगे तो तुम वैसे भी नहीं। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, जब तुम्हें पता है मैं नहीं आने वाली तो क्यों मुझसे जिद कर रही हो, अपने आप जैसे आना है आ जाओ। तो रूही कहती है ठीक है आ जाऊंगी बाय, तो ऐसे बोल के ना फ़ोन कट कर देती है। तो जिया कहती है अब मैं भी देखती हूँ कैसे आती है ये, इसे बेटा धूप लगेगी ना तो अक्कल आएगी, बहुत बोलती है बहुत बोलती है। तो उसके बाद जिया कहती है यार यार मैं तो ये सच में भूल गई थी कि आराध्या को तो मैं वहाँ छोड़ ही आई। तो इतने में आराध्या का फ़ोन बजता है जिया के पास, तो आराध्या कहती है यार तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ लेकिन तुम आई नहीं। तो जिया कहती है यार आई एम सो सॉरी ना, एक्चुअली मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम से ना आना पड़ गया था, आई एम रियली सॉरी यार। तो आराध्या कहती नहीं कोई बात नहीं यार, अब तुम्हें काम पड़ गया था तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं मैं अपने आप आ जाऊंगी। तो ऐसा बोल के ना फ़ोन कट कर देती है। तो जिया कहती है हे भगवान ये लड़की मुझे इतनी इंपॉर्टेंस और इस तरीके से क्यों बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ जैसा रूही कह रही थी। प्लीज़ 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 गॉड जी ऐसा नहीं होना चाहिए, रूही को पता लग गया वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, उसे वैसे ही नहीं पसंद, मैं उससे बात करती हूँ तो उसे नहीं पसंद, और गलती से अगर उसे ये पता लग गया कि ये मुझे लाइक करती है तो भगवान उसका गुस्सा तोबा रे तोबा। लेकिन हो सकता है ना मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, आराध्या ऐसी नहीं है यार, आराध्या इतने इतने टाइम से मेरी दोस्त है, ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता, ये सब रूही का वहम है ना और उसने ये वहम मेरे अंदर भी डाल दिया। नहीं, आराध्या सिर्फ हमारी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जिया समझ गई ना जिया, ओके रिलैक्स। सो उसके बाद जिया जो होती है ना वो थोड़ी देर के लिए अपने काम करने में लग जाती है। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो फाइनली घर आ जाती है ना, तो रूही आती जो है ना वो सबसे पहले आंटी को बुलाती है कि आंटी कहाँ पे हैं आप। तो जो आकाश की मम्मी होती है वो आती है बोलती है हाँ बेटा तुम इतनी लेट कैसे हो गई। तो इतने में जिया जो होती है ना वो सीढ़ी से आ रही होती है, तो थोड़ा तेज़ वॉल्यूम में रूही कहती है कि एक्चुअली आंटी क्या है ना कुछ लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं, अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दो ना तो उनसे निभाई नहीं जाती। तो रूही जिया ये सुनती है ना कि ये मेरी बात कर रही है मतलब, तो रूही आगे बोलती है कि क्या है ना उनसे इंतज़ार भी नहीं होता, और वो इतने बदतमीज़ किस्म के इंसान होते हैं ना कि अगर उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी याद भी दिलाई जाए तब भी वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते और उससे ना पीठ दिखा के भाग जाते हैं। तो आकाश की मम्मी समझ जाते हैं ना कि ये किसे कह रही है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो।
जरूर थोड़ी ना जिम्मेदारी से पीठ पीछे पीठ दिखा के भागे हो। तो रूही कहती है कि आंटी आप तो पक्ष बिल्कुल ही ना लें, माना कि आपकी बेटी है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनकी गलतियां देखना छोड़ दें। तो जिया कहती है कि वेल तुम्हें इतनी चिढ़ होने की कोई जरूरत नहीं है ना, आंटी मेरी गलती देखे ना देखे तुम्हें इससे क्या, वो खुश है ना, चाहे मैं तुम्हें लेके आई हूँ नहीं लेके आई हूँ, तुम्हें लेके तो गई थी ना। पर तो रूही कहती है हाँ थैंक यू, आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ जो आप मुझे लेके तो गई, पता है अगर आप मुझे नहीं लेके जाती तो मैं जाती कैसे, ओहो कैसे जाती मैं। तो ऐसे बोलते होते तो आंटी है ना हंसती होती है, तो कहती तुम दोनों ना चूहे बिल्ली हो एकदम, चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हो। तो जिया कहती है आंटी 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 थोड़ी सी गलती करी ना आपने, ये चूहिया है ठीक है पर मैं बिल्ली नहीं हूँ मैं शेर हूँ शेर। तो आंटी कहती है हाँ मेरी बेटी शेर है शेर, शेर नहीं है तू। तो जिया कहती है शेर ही तो हूँ। तो आंटी कहती है तू शेर नहीं है, तू शेर नहीं है शेर नहीं। तो जिया कहती है हाँ शेर नहीं हूँ मैं शेर नहीं, समझ में आया चूहिया कहीं की। तो रूही कहती है आंटी आप भी इसका साथ दे रही हो। तो आंटी जो होती है ना वो रूही के सर पे हाथ फेरती है, बेटा कोई बात नहीं ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा ना, और तुम्हें पता है जितना लड़ते हैं ना उतना ही प्यार होता है। तो रूही और जिया एक दूसरे को ना देखते हैं कि जितना लड़ते उतना प्यार होता है, लेकिन उसके बाद है ना दोनों ही मुँह इधर उधर कर देते हैं अपना। तो आंटी कहती है ठीक है बेटा वो तुम ले आई थी। तो रूही कहती है हाँ आंटी ये लीजिए। तो रूही जो होती है ना वो गहने वगैरह जिया काश की मम्मी को देने के बाद चली जाती है वहाँ से। और जिया कहती है कि यार ये तो आ गई, अब आराध्या कहाँ रह गई, अगर ये रूही को पता चल गया ना कि आराध्या को मैं नहीं लेके आई तो ये जलेगी नहीं, और ये तो बड़ी खुश हो जाएगी कि मैं उसे भी भूल गई, लेकिन मुझे इसे कुछ नहीं करना ना, जितना जल्द होगी इसे उतना जल्दी ये मेरे पास आएगी। ओफ लेकिन आराध्या रह कहाँ गई। तो इतने में आराध्या जो होती है ना वो मेन गेट से आ रही होती है, तो जिया जो होती है ना वो आराध्या के पास जाती है, उससे कहती है यार आई एम सो सॉरी ना मैं तुम्हें भूल आई, मैं भी जस्ट अभी अभी आई ना, सो सॉरी। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ साथ रूही को भी भूल आई थी। तो आराध्या कहती है सच में। तो जिया कहती है हाँ यार जब मैं तुम्हें भूल गई तो यार रूही क्या है मेरे सामने, उसे भी भूल आई मैं। तो आराध्या कहती है चलो ये तो शुक्र है ना कि कहीं मैं जो सोच रही थी वो सच नहीं है कि ये दोनों मुझे ही छोड़ आए थे, ओ थैंक गॉड। तो जिया कहती है कि यार पर मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ ना प्लीज़ करोगी। तो आराध्या कहती है यार तुम कुछ भी कहो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी ना। तो जिया कहती है यार तुम प्लीज़ किसी को मत बताना ना कि मैं तुम्हें छोड़ आई थी, और खास कर रूही को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आराध्या कहती है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगी और रूही को भी नहीं बताऊँगी। तो जिया कहती है थैंक यू यार थैंक यू, तुम सबको ऐसे ही बोलना ना कि तुम और मैं साथ में आए थे। तो आराध्या कहती है हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो ना मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। तो जिया कहती है थैंक यू सो मच, चलो अब तुम ना थक गई होगी तो तुम जाके रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है मैं वो काम निपटा लेती हूँ। तो जिया जो होती है ना जी वो आकाश के साथ उसकी ड्रेस वगैरह देखने के लिए जाती है, और उसकी फ्यूंस वगैरह के साथ भी जाती है ना, मतलब ये दोनों तीनों साथ जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है ना टेम्परेचर, रूही के दिल में आग लग रही है और जिया जो है वो कुछ ज़्यादा ही नोटी हो रही है और रूही को सताई जा रही है ना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर दो यार। और किसी ने कहा था कि स्टोरी में रोमांस नहीं है, रोमांस नहीं है, रोमांस नहीं है, और क्या और कौन सा वाला रोमांस चाहिए आप लोगों को बता दो मेरे को भी, मैं वो वाला रोमांस डाल दूंगी। ठीक है बाय बाय टाटा सी यू।